थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत नहरों की सफाई सुचारू रूप से शुरू करा दी गई है, जिसे लेकर किसानों में खुशी की लहर है, जिसके साथ ही किसानों ने नहरों की सफाई कराने के लिए सरकार को धन्यवाद भी व्यक्त किया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत नहरों की सफाई सुचारू रूप से चालू हो गई है। इस समय किसान आलू और गेहूं की बुवाई करने में लगे हुए हैं। नहरों की सफाई के चलते किसानों ने सरकार को धन्यवाद कहा और बताया कि सरकार का सराहनीय कार्य है। किसानों ने कहा कि नहरों की सफाई होने के बाद पानी आने लगेगा और फसल बोने में किसानों के लिए आसानी होगी। हम लोग सिंचाई विभाग की तरफ से नहरों की सफाई की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं? सिंचाई विभाग की तरफ से नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी नाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ, उसके साथ साथ सिंचाई विभाग से जो मंत्रालय है उनके पास में उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि टाइम से जो पाया जो पर सरकार ने नहरों की सफाई का कार्य किया है। अच्छा, किसानों के द्वारा इस समय कौन सी फसल बोली जा रही है? इस समय अपने वहाँ आलू के सरसों की बुवाई का कार्य चल रहा है। इससे जो का टाइम पर जो का सफाई हो रही है, तो इससे जो का पानी जो का टाइम पर मिल जाएगा किसानों को, इससे बहुत जो का फायदा होगा। मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाइयों के लिए टाइम पे सफाई और बुवाई का काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इस टाइम आलू की और सरसों की बुवाइयाँ हो रही है और गेहूँ की भी हो रही है, तो एक महीने बाद पानी आ ही जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।